So if you want to become a part of the Apple ecosystem, this is the best video to watch today. Let's see why. ओके, तो सबसे पहले मेरे इकोसिस्टम में आता है मेरा मैकबुक एयर M1 बेस वेरिएंट। अगर तुम अपनी फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग जर्नी को शुरू करने का सोच रहे हो तो तुम मैकबुक एयर M1 पे आराम से डिसेंट लेवल ऑफ वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, क्योंकि इसका M1 सिलिकॉन चिप काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम अपने फोन से, आईफोन से या ऐसे व्लॉगिंग कैमरा से 4K में वीडियोस रिकॉर्ड करते हो तो मैकबुक एयर M1 उसको इजिली बिना किसी लैग के एडिट कर देगा। प्रीमियर प्रो इसमें थोड़ा बहुत लैग करेगा, बट तुम डाविंची रिजॉल्व को इजिली यूज कर पाओगे। और अगर तुम चाहो तो फाइनल कट प्रो भी यूज कर सकते हो, क्योंकि फाइनल कट प्रो एप्पल का अपना सॉफ्टवेयर है, तो वो इस मैकबुक पे और ज्यादा स्मूथ चलेगा। अपार्ट फ्रॉम वीडियो एडिटिंग, इस मैकबुक को मैं अपने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करने के लिए जूम और फेस टाइम यूज करता हूं, क्योंकि इसका 720 पिक्सल का फ्रंट कैमरा काफी ज्यादा अच्छा है। प्लस इसका जो कीबोर्ड है वो एक बैकलिट कीबोर्ड है, तो अगर तुम किसी अंधेरे जगह पे बैठ के काम कर रहे हो तो तुम्हें उतना कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगा। जस्ट अ स्मॉल इंफॉर्मेशन। अब इस लैपटॉप के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू वीडियो दोनों बना के रखा है, तो अगर तुम चाहो तो वो तुम मेरे चैनल पे देख सकते हो। हाँ, इसका 13.3 इंच का डिस्प्ले थोड़ा छोटा है, इसीलिए इसके साथ मैं अपना iPad Pro यूज करता हूँ एज अ साइडकार। और इसे मैंने आज से एक साल पहले खरीदा था वीडियो एडिटिंग करने के लिए। इस iPad के ऊपर तुम किसी भी वीडियो को इजीली एडिट कर सकते हो। कभी कभी जब मैं बाहर जाता हूँ तो अपने मैकबुक को मैं घर पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये iPad वो सारा काम कर सकता है जो एक मैकबुक करता है। इनफैक्ट अगर तुम इस पे एक मैजिक कीबोर्ड लगा दो और कोई भी माउस खरीद लो तो ये एक काफी पावरफुल और टच डिस्प्ले वाला लैपटॉप बन जाता है। जब से मैंने मैकबुक खरीदा है तब से मैं अपने iPad को थंबनेल डिजाइनिंग, थोड़ा बहुत गेमिंग के लिए और नेटफ्लिक्स एंड चिल के लिए यूज करता हूँ। और तो और, मैं जो भी काम अपने मैकबुक पे करता हूँ वो इजिली मेरे iPad के साथ सिंक हो जाता है, और जो भी काम मैं अपने iPad पे करता हूँ वो इजिली मेरे मैकबुक के साथ सिंक हो जाता है। इसीलिए मैं एक चीज को जिस भी डिवाइस पे छोड़ता हूँ वो मैं किसी भी दूसरे डिवाइस से इजिली वापस कंटिन्यू कर सकता हूँ। और तो और, इस iPad के साथ मैंने ये Apple Pencil भी खरीदा था, जिससे इस iPad को यूज करने में और ज्यादा मजा आ जाता है। ये पेंसिल मेरे iPad Pro के साथ एकदम फ्लॉलेसली कनेक्ट हो जाता है। तो अगर तुम अपने iPad पे ड्रॉइंग वगैरह या डिजिटल आर्ट वगैरह करना चाहते हो तो ये पेंसिल तुम्हारे लिए एक मस्ट बाई है। अब ये एक काफी अच्छा iPad है, क्योंकि इसका डिस्प्ले का साइज काफी ज्यादा परफेक्ट है, ना ही ज्यादा बड़ा ना ही ज्यादा छोटा, जिसकी वजह से इसको यूज करना या कैरी करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मेरे एप्पल इकोसिस्टम में आता है वो है मेरा AirPods Pro, और ये वन ऑफ द बेस्ट ईयरफोन्स है। ये एक बार में मेरे सारे एप्पल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो जाता है, यानी कि तुम अपने मैकबुक की तरफ देखो और ये मैकबुक से कनेक्ट हो जाएगा, iPad की तरफ देखो और iPad से कनेक्ट हो जाएगा, और फोन की तरफ देखो तो तुम्हारे फोन से कनेक्ट हो जाएगा। अब AirPods Pro 3 सेटिंग्स के साथ आता है। सबसे पहला ट्रांसपेरेंसी मोड, यानी कि काम करते वक्त या म्यूजिक सुनते वक्त तुम अपने बैकग्राउंड का सारा नॉइस सुन सकते हो। फिर आता है इसका एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, यानी कि सिर्फ एक टैप से तुम अपने बैकग्राउंड में होने वाले सारे नॉइस को कैंसिल कर सकते हो। और फिर आता है इसका ऑफ मोड, यानी कि अगर तुम्हें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी नहीं चाहिए और ट्रांसपेरेंसी मोड भी नहीं चाहिए तो तुम ऑफ मोड में चले जाओ। अपने सारे वीडियोस को एडिट करते वक्त मैं AirPods Pro पहन के रखता हूँ, क्योंकि इसका ऑडियो क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छा है। ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट परचेजेस है। ओके, सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग जो मेरे एप्पल इकोसिस्टम में आता है वो है मेरा iPhone 11। अब ये iPhone मैं पिछले 4 साल से यूज कर रहा हूँ और अभी भी ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस iPhone के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, तो अगर तुम चाहते हो तो यहाँ जाके देख सकते हो। बात करते हैं अगर इकोसिस्टम के बारे में, तो मैं इस iPhone के ऊपर जो भी नोट्स, रिमाइंडर्स वगैरह लिखता हूँ वो रियल टाइम में मेरे iPad और मेरे मैकबुक में सिंक हो जाता है। और तो और, अगर मेरे फोन पे कोई भी कॉल आ रहा है और मेरा फोन मेरे आसपास नहीं है तो वो कॉल मैं अपने मैकबुक या अपने iPad से या तो उठा सकता हूं या तो डिक्लाइन कर सकता हूं। मैं 3 अलग-अलग डिवाइसेस पे काम करने के बाद भी वो सारे चीजों को किसी भी एक डिवाइस पे इजीली एक्सेस कर सकता हूं। मैं अपने iPhone 11 को अपने मैकबुक में कंटिन्यूटी कैमरा से एज अ वेबकैम भी यूज कर सकता हूँ, बिना किसी केबल, बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के। मैं अपने पूरे इस इकोसिस्टम को फाइंड माई ऐप को यूज करके
किसी भी डिवाइस से किसी भी डिवाइस को इजीली लोकेट कर सकता हूँ। और तो और एप्पल का एयरड्रॉप वाला फीचर, नो मैटर तुम्हारे फाइल का साइज कितना बड़ा है, नो मैटर तुम क्या ट्रांसफर कर रहे हो, एक सेकंड के अंदर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर सब चीज ट्रांसफर हो जाता है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई लव द एप्पल इकोसिस्टम सो मच। तो ये था मेरा ऑलमोस्ट एप्पल इकोसिस्टम। क्योंकि अभी तक मेरे पास एप्पल वॉच नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरे पास एक एप्पल वॉच भी आ जाए। ये पूरा इकोसिस्टम मेरे वर्कफ्लो को बहुत ज्यादा सीमलेस बना देता है। मुझे एक काम करने के लिए 10 अलग अलग डिवाइसेस पे जंप करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। मैं उस काम को किसी भी एक डिवाइस पे कर देता हूं और वो इजीली मेरे सारे डिवाइसेस पे आ जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अब वीडियो पसंद आएगा तो इसको एक लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।